क्या देश की राजधानी से गुजरने वाली यमुना नदी बलि मांगती है? क्या यमुना नदी इंसानों की बलि मांगती है? आज हम इसी पर दिखाने जा रहे हैं डबल ए न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में आपको बता दें वैसे तो काफी हॉन्टेड जगह है, उन जगह में से आज हम एक जगह दिखाने जा रहे हैं, वो है यमुना नदी। यहाँ यमुना नदी के किनारे बसे लोगों का कहना है कि यहाँ आत्माओं का वास है। यहाँ रात के वक्त तंत्र विद्या करने के लिए तांत्रिक और अघोरी इस यमुना नदी पर आते हैं और आधी रात को यहाँ तंत्र विद्या तक करते हैं। यहाँ तक कहना है लोगों का कि मरने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार यमुना किनारे काफी संख्या में लोग करते हैं। उनके जाने के बाद अघोरी उस तांत्रिक विद्या के द्वारा शवों को बाहर निकाल कर उसके ऊपर तंत्र विद्या करते हैं। लोगों का कहना है कि यमुना किनारे रात को भूत प्रेत और आत्माओं का वास होता है और जो लोग यमुना में डूबते हैं उनकी आत्मा यमुना किनारे रात को घूमती रहती है। आपको बता दें यमुना नदी में डूबने वाले जो कुंवारे लड़के होते हैं उस बारे में काफी लोगों का कहना है कि यमुना कुंवारी थी, इसलिए कुंवारे लड़कों को ज्यादा ये बलि लेती है, क्योंकि यमुना में जगह जगह गहरे गड्ढे हो चुके हैं और पानी का बहाव भी तेज होता है और इसमें नहाने वाले लड़के अक्सर फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो शादीशुदा नहीं है उन्हीं की भेंट यहाँ पर यमुना ले रही है, यहाँ बड़ी संख्या में शादीशुदा लड़कों की भी डूबकर मौत हो चुकी है। यहाँ घोरी तांत्रिक रात को सिद्धि प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ सुनसान जंगल है, खेत है। इन्हीं जंगल और खेतों के बीच से यमुना नदी गुजर रही है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि इस चीज से पर्दा उठाना है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की ये कोरी अफवाहें हो सकती है। इस तरह का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जो बातें किदवंती है उनसे आपको अवगत कराना डबल ए न्यूज का मकसद है। आज हमने आपको यमुना के बारे में ये दिखाया और बवाना नहर जिसको खूनी नहर भी कहते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही आपको उस खूनी नहर के बारे में भी बताएंगे कि कैसे वो नहर कारों को निकलती है। जो इंसान कार से उस नहर के किनारे से गुजरते हैं उन कार को ही निगल लेती है और बड़ी संख्या में वहाँ इंसानों को निगलना तो आम बात हो चुकी है। क्या कहना है यमुना के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों का, क्या क्या वो देखते रहते हैं, वो आप देखिए डबल ए न्यूज पर। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है यदि आपने डबल ए न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। दिल्ली के अंदर दो नदियां ऐसी हैं जहां पर रात को लोग जाते हुए डरते हैं क्योंकि लोगों को वहां पर भूत प्रेत और आत्माएं दिखाई देती हैं। आज हम मौजूद हैं यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी आप ये देख सकते हैं इधर हमारे साथ में काफ़ी प्राचीन समय से यहां पर बह रही है, क्योंकि यमुना नदी के बारे में यमुना नदी पर इसलिए आए हैं क्योंकि यमुना नदी पर लोगों का कहना है कि रात को भूत प्रेत आत्माएं यहाँ पर घूमती है और यमुना जो नदी है इसमें ज़्यादातर लोग डूब के मरते हैं और जितने डूबने वाले लोग होते हैं कुंवारे लोग होते हैं। लेकिन लोगों की कहीं ना कहीं सोच ये भी हो चुकी है कि यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर जो डूबते हैं कुंवारे होते हैं और यमुना माई भी कुंवारी थी और वो इन बच्चों की भेंट ले लेती है। क्या यहाँ सच में भूत प्रेतों का वास है? यहाँ के गांव के जो स्थानीय लोग हैं इन्हीं से बात करते हैं। आप यहाँ पर कितने दिन से रहते हैं और क्या यहाँ पर भूत प्रेत है? यमुना यहाँ काफ़ी दिन से रहती है, मतलब यहाँ पे जो है ना ये जो नदी का वो मतलब बताते हैं कि भाई ये भेंट लेती है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग डरे हुए हैं इस चीज़ से जी। बाकी जो यहाँ पे तांत्रिक जो है अपने ज्योति विद्या से मतलब अपना जो है ना मतलब यहाँ भूत प्रेत लेते हैं उससे भी लोग डरे हुए हैं काफ़ी, इसीलिए रात को कोई नहीं आता यहाँ पे। तो आपका कहना है तंत्र विद्या करते हैं यहाँ पर तांत्रिक? हाँ। तो लगता है भूत प्रेत है यहाँ रात को? कुछ नहीं है ये तांत्रिक, हमें तो कुछ नहीं लगता, लेकिन तांत्रिक विद्या से जो मतलब यहाँ दिया जाता है करा जाता है
इसीलिए डर के लिए लोग आदमी कोई नहीं आते हैं। कभी लोगों ने बताया रात को यहाँ भूत? हाँ बताया, बताते हैं आत्मा देखिए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर कभी रात को गांव के लोग आए हैं रात को देखने ये जांच करने के लिए? कई बार कब बता रहे हो तांत्रिक आते, कभी तांत्रिक पकड़े हैं? नहीं कभी, हाँ दो चार केस पकड़े हैं पे ऐसे, मतलब जो कि मतलब उन्होंने जो ना ये चिताएं में से मतलब जो आदमी को निकाल के बोड़े निकाल के और सिद्धि करी है उनको। अच्छा ऐसे भी लोग? हाँ ऐसे भी हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से यमुना नदी पर डर है कि भूत प्रेतों का वास है? हाँ बस उसी डर से मतलब लोग मतलब समझते हैं कि रात को कोई नहीं आता है। तो आप ये बताइए कि ये यमुना में डूबने वाला क्या सिलसिला है, लोग डूबते हैं क्या कारण है? यमुना माई बैठ लेती है सच में? सच में नहीं लेती, यहाँ तो ज़्यादा पानी होने की वजह से तो गड्ढा हो जाता है, आदमी को पता नहीं लगता पानी ज़्यादा है कम है, वहाँ पे वो डूब जाता है। लोग ये सोचते हैं कि यमुना माता ने जो अपने ज़्यादातर कंवारे ही इसमें डूबते हैं? नहीं शादीशुदा भी डूब देते हैं। अच्छा कुंवारे भी डूबते हैं, कुंवारे ज़्यादा डूबते हैं शादीशुदा। यमुना नदी पे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भूत है यहाँ पर रात को? नहीं नहीं हम रात को कभी मतलब ऐसा आए थे कभी लगा नहीं। लोगों का कहना है कि भूत रहते हैं रात? भूत रहते हैं लेकिन वो तांत्रिक जो के हिसाब से लगता है। अच्छा ये थे हमारे साथ में रोहतास जी, जो रोहतास यहाँ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं इस गाँव के। इनका कहना है कि यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है लेकिन यहाँ पर जो तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक होते हैं रात को चिताओं में से जो यहाँ जला के जाते हैं उनको निकाल के सिद्धि विद्धि यहाँ पर करते हैं। और फिर उसके बाद में आपको बता दें इनके मुताबिक काफ़ी तांत्रिकों को यहाँ पर पहले कभी कई बार पकड़ा गया है लेकिन रात के समय कुछ लोगों का जरूर कहना है कि यहाँ भूत प्रेत होते हैं। और साथ ही आपको बता दें जो हम आपको बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर दो नदी ऐसी हैं जहाँ पर रात को लोग जाने से डरते हैं। एक ये यमुना नदी है जो रात को लोग यहाँ आने से डरते हैं क्योंकि काफ़ी सन्नाटा यहाँ पर होता है, गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जाके ये बियाबान जंगल के में से निकलती हुई ये यमुना नदी है क्योंकि रात के टाइम लाइट भी नहीं होती है और यहाँ पर कुछ शरारती तत्व भी होते हैं और कुछ तंत्र विद्या करने वाले जो तांत्रिक होते हैं वो भी तांत्रिक विद्या करते हैं। दूसरा हम आपको बता देते हैं जो भवाना नहर जो खूनी नहर है खूनी नहर के नाम से जानी जाती है वहाँ पर भी आए दिन शव निकाले जाते हैं, डेड बॉडियाँ वहाँ पर भी मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सुसाइड कर लेते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग वो यही कहते हैं ये खूनी नहर है, रात को हम यहाँ से जाते हैं हमारा पैर खींच लेती है, हमें आत्माएँ दिखाई देती है, हम यहाँ इसके किनारे चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई आत्मा साथ चल रही है, कोई आवाज़ें आती हैं। तो वहाँ के लोगों का कहना ये है लेकिन क्या सच्चाई है ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति ऐसी है जो लोगों को डरा रही है जैसे यमुना नदी घाट पर और भवाना नहर घाट पर। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अभी बात करते हैं जो यहाँ पर स्थानीय यहाँ यमुना के पास में एक शमशान घाट बना हुआ है, शमशान घाट में जो अंतिम संस्कार कराते हैं उनसे हम बात करेंगे क्या है यहाँ की सच्चाई। यमुना के बाद में हम पहुँचे हैं यमुना के किनारे पे जो बना हुआ शमशान घाट है, इधर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शमशान घाट यहाँ बनाया हुआ है अंतिम संस्कार के लिए, काफ़ी आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं और अंतिम संस्कार जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के जो स्थानीय हैं जो यहाँ पर पंडित जी जो यहाँ पर रहते हैं वो इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने बोलने से साफ मना कर दिया है कि रात के समय यहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो उस वजह से हम आपकी उनसे बात नहीं करवा पाएंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आके अंतिम संस्कार करा सकता है लेकिन इसी के साथ में आप उधर की तरफ देखेंगे तो यमुना नदी है बराबर में ही, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं यमुना नदी पर ही वहाँ जाकर अंतिम संस्कार करते हैं। और अंतिम संस्कार करने का फ़ायदा जो रात में होता है जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और शायद हो सकता है कि उसी के चलते जो यहाँ पर रहने वाले हैं इस शमशान घाट में रहने वाले हैं वो रात को शायद उनसे डरते हों इसी वजह से वो बोलने से उन्होंने मना कर दिया है फिलहाल, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं इनको यहाँ अकेले रहना होता है और तांत्रिक रात को ही आके अपनी सिद्धि विद्धि करते हैं और जो आत्माओं का वास यमुना के किनारे बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि यहाँ पर सिर्फ आत्माएँ ही हैं या यहाँ पर जो तांत्रिक हैं वो यहाँ पर जो अपनी सिद्धि है वो यहाँ पर रात को तांत्रिक जो प्रतिक्रिया होती है वो अपनी पूरी करके यहाँ से रात को करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की माने जिस तरह हमने रोहतास जी से बात कराई थी उन्होंने साफ बताया कि यहाँ पर रात को तांत्रिक आए हैं और अब से पहले भी तांत्रिकों को पकड़कर जेल में भी भेजा गया है, उनके साथ मारपीट भी की गई है जो कि यहाँ पर शमशान के यमुना नदी के किनारे पर अंतिम संस्कार करके जो गाँव के लोग चले जाते हैं उसमें से उनके शव को निकाल कर उस पर तांत्रिक प्रतिक्रिया करते हैं। मनसी मेमन, AA News, दिल्ली।